नमस्कार, खुदबिनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। रूस भारत का सबसे मूल्यवान मित्र, नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को भारत का सबसे मूल्यवान मित्र एवं सामरिक साझेदार बताते हुए विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक एवं सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ होगा। मोदी ने रूस की दो दिवसीय यात्रा पर मास्को रवाना होने से पहले जारी एक वक्तव्य में कहा कि भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंध हैं और इतिहास इसका गवाह है। मोदी भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शामिल होंगे। साथ ही भारत में निवेश के लिए रूसी उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। ईडी ने जब्त की छगन भुजबल की 110 करोड़ की संपत्ति। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की लगभग 110 करोड़ रुपए की संपत्ति बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर ली। ईडी ने भुजबल के खिलाफ काले धन को सफेद करने के मामले में यह कार्रवाई की है। भुजबल की एक संपत्ति बांद्रा के पॉश इलाके में स्थित है, जबकि दूसरी सांता क्रूज में। भुजबल ने कहा कि इन संपत्तियों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ईडी ने ऐसा क्यों किया। ईडी ने कई अरब रुपए के कथित अवैध वित्तीय लेन देन को लेकर भुजबल, उनके बेटे पंकज, भतीजे समीर और 19 अन्य लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत दो मामले जून में दायर किए थे। अमेरिका की यात्रा अभी नहीं करें भारतीय छात्र, केंद्र सरकार की सलाह। भारत सरकार ने अमेरिकी हवाई अड्डों पर उच्च शिक्षा के लिए आने वाले भारतीय छात्र छात्राओं को अज्ञात कारणों से प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने पर रोष जताते हुए उन्हें सलाह दी है कि वे अमेरिकी सरकार का रुख स्पष्ट होने तक वहां की यात्रा न करें। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक परामर्श जारी करके कहा कि हाल के दिनों में कई मौकों पर अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्र छात्राओं को अमेरिकी आवर्जन अधिकारी ने प्रवेश की इजाजत नहीं दी है, जबकि उन छात्र छात्राओं के पास वैध वीजा था। खास तौर पर दो संस्थानों सिलिकॉन वैली यूनिवर्सिटी सेंट जोस और नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी फ्रेमांट के छात्र थे। भारत सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के समक्ष भी उठाया है। कलकडूमा कोर्ट में गैंगवारे कांस्टेबल की मौत, 3 घायल। दिल्ली की कलकडूमा अदालत परिसर में बुधवार को कथित अपराधियों के दो गिरोह के बीच हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार मारे गए पुलिसकर्मी की पहचान राम कुमार के रूप में की गई है। गोलीबारी की घटना में अदालत का क्लर्क भी बुरी तरह जख्मी हुआ है। पुलिस ने गोलीबारी करके भाग रहे अपराधियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने मृत कांस्टेबल के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।